ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होगे फ्रेंड्स और बहुत अच्छे होगे। सो फ्रेंड्स, ये एक फ्रेश रीडिंग है जो कि हम करने लगे हैं एक ऐसे डिसीज़न पे जो कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में अटके होते हैं। कुछ लोग अपने रिलेशनशिप्स में अड़े हैं, कुछ लोग शादी में अड़े हैं, कुछ लोग किसी को बहुत चाहते हैं तो बस वहाँ बात नहीं बन रही। जिस भी सिचुएशन में हो, देखिए मुझसे कमेंट करके बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैम ये सिंगल के लिए है, ये मैरिड के लिए है। देखिए ये सबके लिए है जो रिलेशनशिप में है, चाहे वो वन साइडेड है, चाहे वो मैरिज है, चाहे वो कैसा भी है। सो ये एक ऐसे पर्सन के लिए है जो सामने वाले के लिए फीलिंग रखता है और उनका कुछ रिश्ता है, उन लोगों के लिए है। और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी आपका रिश्ता किस दौर से गुजर रहा है, प्लस आपको क्या करना चाहिए। क्या कार्ड्स बोलते हैं आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्या आपको रहना चाहिए, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। सो ये कार्ड्स आपको बताएंगे और कार्ड्स में जो भी आएगा, जो भी आप लोगों का रिलेशनशिप का एनर्जी आएगा, प्लस जो आपके लिए सही होगा वो मैं बताऊंगी। सेकंड, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, जब आपके सामने आएगी तभी आपके लिए वैलिड होगी। दूसरा, इसे नाम या अपने सन साइन जिससे भी आपको मैच करता है, मून साइन जिससे भी मैच करता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड एक और बात, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें। चलिए जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ऑल राइट, सो एक्वेरियस यानी के कुंभ राशि, आइए देखते हैं कि आपका जो ये रिलेशनशिप है उसकी कंबाइंड एनर्जी फ़िलहाल, ये रिश्ता किस दौर से गुजर रहा है, क्या चल रहा है आपके इस रिलेशनशिप में, ठीक है। नाइन ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, एंड बहुत ज़्यादा कप्स की एनर्जी है। और बहुत ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा इस टाइम अपनी चीज़ों को रखना चाहते हैं आगे। देखिए मुझे एक्वेरियस, क्योंकि ये कंबाइंड एनर्जी है एक रिश्ते की, और ऐसा दिख रहा है जहाँ पर एक पर्सन ने इतना ज़्यादा सामने वाले को प्यार दिखा दिया है कि मतलब उसने ये हद कर दी है कि अगर दुनिया ख़त्म हो जाए तो उसका प्यार ख़त्म नहीं होगा, ऐसे वाला। दूसरी ओर ऐसा लगता है कि इतना डर है उसे इस चीज़ का कि उसका ये रिश्ता ख़त्म ना हो जाए। देखिए अगर आपने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया, इतना ज़्यादा एफर्ट किया है इस रिश्ते पे, तो फिर डरने की कोई बात नहीं है, फिर आपका ये रिलेशनशिप कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये ज़रूर एक अच्छे मोड़ पर, अच्छे अंजाम पर जाएगा, ये संभलेगा, वहाँ से एक अच्छे लेवल पर जाएगा। तो आप अगर डर डर के चलेंगे तो सही नहीं रहेगा। आप बहुत ज़्यादा एक इनसिक्योरिटी में, डर में घबरा कर चलते हैं, या फिर आपको हर वक्त स्ट्रेस रहता है, आप हर वक्त एक तरह की, जबकि ये पर्सन के लिए आप हमेशा बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने किया है इसके लिए और इन्होंने भी आपके लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन अभी ऐसा लगता है आपको, आप डरे डरे से, घबराए घबराए से इनकी तरफ, और बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है मुझे जैसे आप इन्हें बहुत कुछ कहना करना चाहते हैं, लेकिन आपको अभी वो सारी अपॉर्चुनिटी, सारी वो चीज़ें मिल नहीं रही, क्योंकि या तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी में हैं या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है। कुछ ऐसा है कि आप थर्ड पर्सन बन गए हैं अभी फ़िलहाल, और आपको बहुत स्ट्रेस होता है कि ये मेरे साथ जीवन भर के लिए होंगे कि नहीं होंगे। कुछ ऐसी उलझने नज़र आ रही हैं इस रीडिंग में मुझे। अब मैं देखती हूँ क्या इस रिश्ते में, जो भी आप दोनों की कंबाइंड एनर्जी के बाद है, क्या आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए या नहीं। फ्रेंड्स ये एक रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी है और आपको अभी तक समझ आई है और आपको लगता है कि हाँ, तो प्लीज़ इसे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप रीडिंग को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। सिक्स ऑफ कप्स से आपकी रीडिंग स्टार्ट होती है, थ्री ऑफ कप्स, द सन एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपको डिवाइन कह रहे हैं कि चांसेस यही हैं कि आपका ये रिलेशनशिप ख़राब नहीं होगा,
ये रिश्ता शायद ऊपर वाले ने ही बनाया और आप दोनों को एक साथ मिलाने के लिए ही बनाया। अगर उन्हें अलग करना होता तो बहुत पहले ही आप दोनों को अलग कर देते। लेकिन इतना लंबा जो आपने चलाया है इस रिश्ते को और आपके पार्टनर ने भी इतना एफर्ट डाला है, ये ऐसे नहीं हुआ, ये ऊपर वाले का ही कर्म है। सो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मतलब कहते हैं ना, स्ट्रेस मत लीजिए। आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि आपको कॉन्फिडेंट होकर जो पॉसिबल हो वो करना है। यहाँ पर आपको पेशेंस ज़रूर रखनी पड़ेगी, बट आपके इस रिलेशनशिप में कहीं से भी मुझे ये नहीं दिख रहा कि कुछ आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आएगी। हाँ, आपको अपने प्यार पे विश्वास रखना है, उस एनर्जी को बरकरार रखना है, उसे खोना नहीं है, प्लान्स बनाने हैं, डबल माइंडेड नहीं होना है, ऑनेस्टी से और सिंसेरिटी से चीज़ों में आगे बढ़ना है। आगे का समय आपके लिए हैप्पीनेस से भरा है और सिक्स ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे अगर पीछे प्रॉब्लम्स थी तो आगे रिकन्सिलिएशन दिख रहा है, आगे रीयूनियन दिख रहा है, आगे सब कुछ अच्छा होता, एक कोलैबोरेटिवली आप दोनों मिलकर चीज़ों को अच्छा करते नज़र आ रहे हैं। सो मुझे एक बहुत ही अच्छा कार्ड, एक अच्छी एनर्जी फील हो रही है आप दोनों के इस रिलेशन को देखकर, आप दोनों की एनर्जी को देखकर। आपको इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं करना है, आपको फ़िलहाल रुकना है, अपनी एनर्जीज़ लगानी है और अपनी तरफ से अपना बेस्ट करना है इस पर्सन के साथ, ठीक है। सो ये हो गई आपके इस रिलेशनशिप के मेन क्वेश्चन का आंसर कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या आपको मूव ऑन करना चाहिए। अब हम गीता जो हमारा है उससे हम आपके लिए देखेंगे, एक ऐसी गाइडेंस निकालेंगे कि गीता टैरो डेक आपको क्या कहता है, एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। सो ये कार्ड आया है आपके लिए, एक सेकेंड। ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा वैसे हैं जो आपस में ना, ग्रीफ का कार्ड आया है। देखिए ग्रीफ होता है दुख, क्यों है ये दुख आपको, अब सुने क्या है। You are mourning when there is no cause to lament, yet to speak words that seems to be wise. कहने का मीनिंग सिंपल सा है कि अगर आप श्योर हैं कि सामने वाला मेरे को प्यार करता है, मेरे साथ है, तो वो हर हाल में आपके साथ जुड़ा रहेगा। आपको घबराने की, रोने की ज़रूरत नहीं है। हर हाल में मतलब जिंदा हो, संसार में ना हो, ठीक हो, दूर हो, पास हो, जो भी हो। देखिए अगर किसी के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एक अटैचमेंट है तो वो आपके साथ है। अगर उसने आपको वो अटैचमेंट, वो लव नहीं दिया है तो वो नहीं रुकेगा आपके साथ, नहीं रहेगा। आप इन चीज़ों को समझें और इन चीज़ों के लिए ना हर वक्त दुख मत मनाते रहें। आपको अगर आपके कार्ड्स में भी दिखा कि आप बहुत ज़्यादा सामने वाले को चाहते हैं, पर्सन भी आपको चाहता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भरी एनर्जी में रहते हैं और उसका ही आपको सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। सो ये है आपके कार्ड्स और आपकी गाइडेंस। सो आई होप आपको इससे काफ़ी क्लैरिटी मिली हो। ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें। मिलूंगी अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।